इस बीजेपी के अंदर एक ब्रजभूषण नहीं है, ऐसे बहुत से मगरमच्छ पड़े हैं। मन की बात करने वाले आज बेटियों की बात क्यों नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करे, पुलवामा की बात क्यों नहीं करे, वो मन की बात आज कहाँ है? ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ जो हिंदुस्तान के अंदर होने जा रहा है। जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको तो फिर सबसे पहले समर्थन में आना है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सिर्फ 7 बेटियां आई हैं, 100-200 नहीं, करीब करीब 1000 लड़कियां ऐसी हैं जो कि डरी हुई हैं। संघर्ष करते रहेंगे जब तक महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा, महिलाओं के सपोर्ट यौन हिंसा होती रहेगी तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। खैर इतने दिनों के बाद मोदी के मंत्री पर FIR दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि दोबारा जिस तरीके से 7 महिला पहलवानों ने FIR दर्ज करी थी और कोर्ट से मांग की थी, तो आज कोर्ट ने कड़ी एक्शन ले लिया है और ब्रिजभूषण सरन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनको बहुत जल्द जेल भी होने वाली है और उन्हें सजा भी होने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से ब्रिजभूषण सरन सिंह को ले जाया जा रहा है और उनको कोर्ट में पेश होना है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ब्रिजभूषण सरन सिंह ने बताया कि जिस तरीके से सरकार ने हमारे खिलाफ एक्शन ली है वो हम सरकार के सहमति के अनुसार ही चल रहे हैं। तो जिस तरीके से धरने पर बैठकर महिला पहलवान और जितने भी वहां के पहलवान थे वो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे कई दिनों से, और तिलकती धूप में भी वो अपना प्रदर्शन जारी रखे, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से देश में सभी लोग जान चुके हैं कि आज बीजेपी सरकार क्या क्या कर रही है, और जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है लेकिन यहाँ तक सच नहीं है, बेटी को वो झुका देती है और बेटी से क्या क्या करवाती है ये देश को आज पता चल चुका है। और जिस तरीके से वो अपने हद को कुछ भी करने के लिए गुजर जाती है वो देश को भी गिरा सकती है और देश को तो बर्बाद कर ही रही है। तो जिस तरीके से देश में आज खुलासा करते हुए सत्यपाल मलिक ने भी खुलासा किया था और जिस तरीके से सभी को सपोर्ट मिल रहा है आज पहलवानों के साथ, बताया जा रहा है कि अब पहलवानों को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी और उनको सरकार से उनकी सुरक्षा की पूरा जिम्मेदारी सरकार लेगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ब्रिजभूषण सरन सिंह को आज ले जाया गया उसको लेकर बड़ी खुलासे और दावे किए जा रहे हैं कि ब्रिजभूषण सरन सिंह को बहुत कड़ी सजा हो सकती है महिला पहलवानों को लेकर और उनके जिस तरीके से FIR दर्ज की गई है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।